जया नवीन केशवानी यांनी आपल्या दोन मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी घेतली पत्रकार परिषद. उल्हासनगर 4 मध्ये जया नवीन केशवानी आपल्या दोन मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी भटकत आहे. जया ही नवीन केशवानीची पत्नी आहे आणि नवीन तिला सोडून गेला आहे. कॅम्प क्रमांक 5 येथील नेताजी चौक परिसरात असलेल्या के रचना हॉटेल मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत जया नवीन केशवानी यांनी ही माहिती दिली आहे. 10 साल से बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं और बहुत दुखी भी हूँ. मेरी दो बेटियाँ हैं नवीन से, भारती केसवानी और मधु केसवानी, और मैं झाड़ू पोछा मतलब मेहनत करके उनको संभाली हूँ. बहुत वो टॉर्चर करता था मेरे को और मेहनत तो बिल्कुल नहीं करता था. सबको धमकी दे के ब्लैकमेल करके पैसे लेके आके मुझे देता था. हर बार रोकती थी मैं उसको, ऐसे कुछ मत करना, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए. और बहुत प्रॉब्लम देता था घर में. टॉर्चर तो इतना करता था, इतना मारता था मुझे, जब तक खून नहीं निकलता तो छोड़ता नहीं था मुझे. मार के और छोड़ के निकल जाता था. एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना तो देखता ही नहीं था हमको. और कोई आजू बाजू वाले मदद करे, कोई जेंट्स से मदद ले लूँ तो उसके लिए गलत गलत आरोप लगाता था कि तू इनके साथ गलत करके आई है, सो के आई है. मैं हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है ना, कोई भाई भी होता है, कोई हमदर्द भी होता है, दोस्त भी होता है, तो वो किसी का भी नहीं है. उनके जो माँ बाप थे उनका ही नहीं हुआ तो हमारा कैसा हो गया. अभी दिव्या केसवानी का आज मैंने न्यूज़ देखा, वो इंसाफ मांग रही है. किस बात का इंसाफ मांग रही है? तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटियों को भी कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि आज मेरी बेटियाँ जवान हो चुकी है. एक 14 साल की है, एक 12 साल की है, एक 8वीं में है और एक 6वीं में. मैं कैसे कैसे उनको पढ़ाई हूँ क्या बताऊँ मैं आपको. तो मुझे भी इंसाफ चाहिए. और मेरे दो बच्चे तो ऑपरेशन से उसने गिरा दिए थे. शक करता था बहुत गंदा गंदा, और टॉर्चर भी मेरे नहीं है, ये नहीं है. हो सके तो रियानी टेस्ट के लिए भी मैं तैयार रहूँगी, दोनों लड़कियाँ उसकी है. प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. छोड़ने का कारण शक था, बहुत शक करता था, अंधा शक करता था. रहता भी नहीं था मेरे साथ, पी के दारू के नशे में आके मेरे साथ वो संबंध करता था. डर के मारे में कि पति था मेरा, तो मना भी नहीं कर सकती. एक ही रूम था छोटा सा, बच्चे भी देखते थे. अत्याचार मारता था, तोड़ता था मेरे को. मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मेरा इधर कोई नहीं था. क्यों नहीं उठाया 12 साल में? कि मुझे पता था वो खुद कमा नहीं सकता है, दे नहीं सकता है, और मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं. मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता. स्कूल की सीढ़ी तक नहीं देखी है कि क्या होता है स्कूल, तो मैं कैसे आवाज़ दूँ? जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ा ली तो मेरे बच्चे बोल रहे कि मम्मी आज तो जिंदा है, कल मर जाएगी तो हमारा क्या होगा? और मेरी बेटियां जवान हैं, उनका क्या, कौन इंसाफ करेगा? और आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं उन पे. ये जो है ना, जो सच बोल रही हूँ मैं, और रियल है सब जो मेरे साथ गुजरा है. आप समझ सकते हो, आपके साथ नहीं गुजरा ना, आप सवाल कर रहे हो, ठीक है? हाँ, मैं रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा है, वो क्या क्या करता था. एक मामूली सा सिलेंडर नहीं भर सकता था वो, दोस्त लोग को फोन करता था. यही धीरू जी है ना, उन्होंने मेरे घर के कितने बार तो राशन भरे, ठीक है? उनके ऊपर आज आरोप कर रही है ना, उसके साथ तो रह चुकी है, प्यार कर चुकी है. ये धीरू के साथ भाग चुकी है वो, ठीक है? नहीं, वो गलत है. वो आरोप लगा रही है ना, सब गलत है. क्योंकि वो उसके हर गलत कामों में साथ देती है, और मैं उसके कोई गलत कामों में साथ नहीं देती, तो उसका मेरा जमा नहीं, छोड़ दिया मैंने. क्योंकि आज मैं उसको गलत कामों में साथ दूंगी तो मेरी बेटियों के ऊपर आएगा. मेरे को वैसे पैसे नहीं चाहिए थे किसी को मार के, किसी को टॉर्चर करके ले आए. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब तुम लोग उसको इंसाफ दे रहे हो ना, तो मेरी बेटियों को भी इंसाफ चाहिए. प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इतना ही. और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. या प्रसंगी जया यांना पडत्या काळात सातत्याने मदत करणाऱ्या व्यक्तीने देखील नवीन केशवानी याच्यावर आरोप केले आहेत. आता या सर्व बाबीवर पोलीस विभागातर्फे काय कारवाई केली जाणार हे येणारा काळच ठरवेल. प्रतिनिधी कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राईम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर.